एंट-मैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के लिए तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, पर मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे जब मैंने रोटन टोमेटोज में इसकी रेटिंग देखी। खैर, एज मार्वल फैन हमें तो मूवी देखनी थी और हम देखेंगे, क्योंकि फेज 5 की स्टार्टिंग हो रही है इस मूवी से। तो बात करेंगे मूवी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में, तो प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं स्पॉइलर फ्री रखूं, ताकि आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। तो कहानी वही है जो ट्रेलर में दिखाई गई है। स्कॉट लैंग जो अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सेटिस्फाई है और अपनी बुक भी लॉन्च कर चुका है, हालांकि दुनिया के ज्यादातर लोग उसकी वैल्यू को और उसकी प्रेजेंस का मजाक उड़ाते हैं, पर फिर भी अपने स्कॉट की फैन फॉलोइंग है और स्कॉट का दिल बस एक ही चीज करना चाहता है, वो है 5 साल जो उसने अपनी बेटी कैसी के साथ नहीं बिताया, वो उन्हें वापस जीना चाहता है और चाहता है कि वो अपनी बेटी को भी नॉर्मल लाइफ दे सके। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अपने एक एक्सपेरिमेंट की वजह से कैसी एक सिग्नल क्वांटम रियल में भेज देती है और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जेनेट, हैंक, कैसी, होप और स्कॉट क्वांटम रियल में खींचे चले जाते हैं और उनको बुलाने वाला है वो, या कहे कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा स्कॉट परिवार उस क्वांटम रियल में खींचा चला आया। और हमें पता चलता है कि होप की माँ जेनेट और हमारे इस कहानी के मेन मोगैम्बो यानी विलन कैंग द कॉन्करर की अपनी एक अलग स्टोरी और हिस्ट्री सब कुछ है, जिसका पता है स्कॉट फैमिली को इस क्वांटम रियल में आके लगता है। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि कैंग इन सब के पीछे पड़ा होता है, उसका एक मकसद है जिसका पता आपको इस मूवी के एंड तक चलेगा। क्वांटम रियल की इस दुनिया को बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, साथ में कुछ कैरेक्टर्स भी इसमें नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनकी कोई बैक स्टोरी तो नहीं दिखाई गई है, पर कैंग से उनकी दुश्मनी का रीजन पूरी तरीके से क्लियर दिखाया गया है। मूवी का बेस्ट पार्ट जॉनसन मेजर्स है, जिन्होंने कैंग का रोल शिद्दत से निभाया है। मतलब थिएटर से निकलने के बाद आप सिर्फ कैंग की बातें ही करेंगे, ये बात तो कंफर्म है। एंटमैन फर्स्ट और सेकंड मूवी की तरह ही इस मूवी का डायरेक्शन भी पेटन रीड ने किया है, पर पहले की दोनों मूवीज की तरह इस बार उनका डायरेक्शन और स्टाइल काफी ज्यादा अलग है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं एवेंजर्स एंड गेम की झलक भी दिखती है। भले ही मार्वल की बाकी मूवीज की तरह इस मूवी की वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी उतनी ज्यादा अच्छी ना रही हो और मार्वल फैंस के अलावा आम ऑडियंस के बीच में इस मूवी के लिए क्रेज ज्यादा ना रहा हो, पर थिएटर में देखने के लिए इस मूवी को आप जरूर जाना चाहोगे, ये बात कंफर्म है। और सच में मजा दिलाती है मूवी, अपने आप में एक अलग कंटेंट है इस मूवी का, जो कि एज अ ऑडियंस हमें क्लाइमेक्स तक बांध के रखता है। पर मार्वल की कुछ पिछली मूवीज से मैं एक बात बहुत नोटिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे मार्वल से थोड़ी बहुत शिकायत है, कि अपने कुछ कैरेक्टर्स को वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना वो डिजर्व करते हैं, अपनी एक ही मूवी में उसे इंट्रोड्यूस करके अपनी उसी मूवी में उसे खत्म भी कर देता है, जिसका करंटली जीता जाता एग्जांपल है ये कैरेक्टर जो हमें इस मूवी में दिखाया गया है, मोडॉक, यानी कि मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइंड ओनली फॉर किलिंग। और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये तो वही येलो जैकेट है जिसने कैसी को 6 साल की उम्र में मारने की कोशिश की थी, जिसका किरदार निभाया था कोरी स्टोल ने, यानी कि एंटमैन पार्ट 1 में येलो जैकेट एंटमैन से हारने के बाद इस क्वांटम रियल में खींचा चला आया और शायद कैंग ने उसे नया जीवन दान दिया। बस बस बस, इससे ज्यादा मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा, पर हाँ, मोडॉक की इस विशाल अपॉर्चुनिटी को मार्वल यहाँ वेस्ट करता हुआ दिखा मुझे, जिसकी मुझे उम्मीद कतई नहीं थी। और एंड में आते आते कैसे स्कॉट फैमिली कैंग का सामना करती है और कैंग और स्कॉट के बीच में एक जो डील हुई थी वो क्या थी, ये भी हमें पता चलता है। अब कैंग इस क्वांटम रियल में कैसे आया, जेनेट और कैंग के बीच का क्या इतिहास है और कैंग क्या इस क्वांटम रियल से बाहर निकलकर आ पाएगा इस दुनिया में, इसके लिए आपको मूवी तो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखो इस मूवी को और बताओ आपको कैसी लगी ये मूवी, क्योंकि इससे फेज 5 की शुरुआत होने वाली है मार्वल में और बहुत सी बातें इस मूवी से रिलेटेड जिसके बारे में मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक मजा लीजिए इस मूवी का थिएटर्स में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।